आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर गांव की, जो कि भैया भारत में स्थित है। इस गांव के हर नागरिक के खाते में है करोड़ों रुपए। जी हाँ, गांव का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में कच्चे घर, टूटी हुई सड़कें और बेरोजगारी की झलक नजर आती है। लेकिन हिंदुस्तान का एक गांव ऐसा है जहां पर आपकी ये सारी झलक दूर हो जाएंगी और आपको ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज से लेकर पॉश सारी गाड़ी वहां पर देखने को मिलती। जी हां, गांव का नाम आते ही आप लोगों के दिमाग में कच्चे घर, पक्के घर तो होते ही नहीं है, टूटी हुई सड़कें होती हैं, बेरोजगारी की एक झलक नजर आती है। लेकिन अगर हम लोग अपने देश की बात करें तो अपने देश में दुनिया का सबसे अमीर गाँव है जहाँ पर हर नागरिक करोड़पति है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में 17 बैंक हैं और इस गांव का मुख्य व्यवसाय आज भी भारत का जो मेन व्यवसाय यानी कृषि ही है। आज इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दो वक्त की रोटी के लिए दिन और रात कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यह भी नसीब नहीं होती। आज के समय में हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद कुछ भी नहीं बचा पाते। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया का सबसे अमीर गांव है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में रहने वाले हर नागरिक के खाते में कम से कम 1 करोड़ रुपए तो है। आपके खाते में है भाई? वैसे आपको जानकर यह हैरानी भी होगी कि यह अमीर गांव अपने देश में है और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित मदापर नाम का यह गाँव बैंक जमा के मामले में दुनिया के सबसे अमीर गाँव में शुमार है। मधापार गांव में 7,600 से ज्यादा मकान हैं और सभी पक्के बने हुए हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में 17 बैंक हैं। यहां रहने वाले हर आदमी के बैंक अकाउंट में करीब 5 करोड़ रुपए जमा है भैया, यानी इस गांव का हर शख्स करोड़पति है। यहां पर आपको हर सुविधा मिलेगी। इस गांव में बैंकों के अलावा स्कूल, कॉलेज, झील, पार्क, अस्पताल और मंदिर भी बने हैं। गांव में एक अत्याधुनिक गौशाला भी है। अच्छा, लेकिन क्या रीजन है, क्या वजह है कि ये इतना अमीर बना हुआ है? देखो, अगर हम लोग बात करते हैं तो मदापर गांव के ज्यादातर लोग NRI हैं, यानी उनके रिश्तेदार विदेशों में बिजनेस करते हैं और इसमें UK, अमेरिका, अफ्रीका या गल्फ देश भी शामिल है। ये लोग पैसे कमाकर गांव की तरक्की में सहयोग करते हैं और पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और एक दिन हमारी और आपकी तरह ना होकर करोड़पति बन जाते हैं। इस गांव का लंदन से भी एक खास कनेक्शन है। मदापार गांव में ज्यादातर आबादी पटेल की है। इसमें से 65% से ज्यादा लोग NRI हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1968 में मदापार विलेज एसोसिएशन का गठन लंदन में किया गया था ताकि विदेश में लोग एक जगह मीटिंग कर सके। एक ऑफिस मदापार में भी खोला गया और जिससे लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिली। विदेशों में रहने के बावजूद भी उनकी जड़ें आज भी अपने गांव में ही हैं। लेकिन फिर भी वही सवाल, क्या सच में इस गांव में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पैसा आ रहा है? जी नहीं, आज भी इस गांव का मुख्य ऑक्यूपेशन, मुख्य व्यवसाय कृषि यानी फार्मिंग ही है।